नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कितनी बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमें बर्बाद कर देती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने ऐसा क्या किया था कि हम बर्बाद हो गए, है ना? सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी, कभी भी अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो उन लोगों की मजाक ना उड़ाएं जिनका अच्छा समय नहीं चल रहा है। अगर आप सफल हो रहे हैं जिंदगी में, सफल होने लग गए हैं, तो वो लोग जिन्होंने कभी आपको साथ दिया है सफल होने में, या आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहे हैं, उन्हें इग्नोर ना करें। ज़्यादातर मैंने देखा है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इंसान अपने माता पिता को भूल जाता है, उन दोस्तों को भूल जाता है जो उसके कमज़ोर समय में उसके साथ चल रहे थे। अब जो ये समय आता है, तब कुदरत आपकी परीक्षा लेती है कि ये व्यक्ति कितना गहरा था। कुदरत को पता चलता है कि ये तो हर व्यक्ति से सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा था, या हम जैसे कहते हैं ना, कुत्ते को घी नहीं पचता। ऐसे आप देखो कितने ही ऐसे लोग पड़े हैं, थोड़ी से अप हुए नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि ओ हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तरह तरह से ऐसी ऐसी कोशिश करेंगे कि लोगों को कैसे पता चले कि मेरे पास अब पैसा आ चुका है। आज से पहले नहीं था वो अलग बात थी, तब मैं छुप के रहता था, तब मैं लोगों से मिल करके अपने काम निकालता था, तब मैं लोगों का जूठन भी चुपचाप खा करके आ जाता था, मैं किसी को नहीं बोलता था। लेकिन आज जो मैं बोलता हूँ पब्लिक में, या किसी कमज़ोर व्यक्ति की गरीबी का मजाक उड़ाता हूँ, ये पाप है। अगर आप किसी की भी हाय ले लोगे, बद्दुआ ले लोगे, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। तभी ऐसा लगता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए। आगे निकलने में जितना समय लगा है ना, उसका सोवा हिस्सा भी नहीं लगेगा पीछे गिरने में। आप देखो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में खेलते थे, अचानक कुछ उन्होंने ऐसा फॉल्ट कर दिया, अरेस्ट हो गए, जेल में ही पड़े पड़े वो मर गए। क्या उनको पता था कि ऐसा होगा? लेकिन होता है, किस्मत बहुत अजीब चीज है, कर्मों के फल सबको उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है, घर में बहुत ज्यादा अच्छा होने लग जाता है तो व्यक्ति चीजों की कदर करना छोड़ देता है, अच्छी अच्छी चीजें भी उठा करके फेंकने लग जाता है। ये बहुत गलत बात है। घर में किचन होना जरूरी है, किचन के अंदर दोनों टाइम, या जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन जरूर बनाएं। कई घरों में बाहर से इतना नाश्ता आता रहता है, घर में खाना बनता ही नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी आपकी बड़ी तो अलग बात है, सिर्फ पैसे लुटाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, या अय्याशी के लिए कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको बर्बाद होना है। हर चीज को महत्व दे। कई लोगों के पास पैसा आया, नए के नए कपड़े एक बार पहने फिर फेंक दिए, नई की नई चीजें उठाई और फेंक दी। इन सब चीजों का पेमेंट आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छे अच्छे इंसान का अपमान कर दिया। अब तो मेरे पास कितने लोग आते हैं, अरे ये एक नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, भगा दो, वो इंसान बैठा है आपका इंतजार कर रहा है, कोई जरूरत नहीं, उठाओ उसको, बोलो यहाँ से जाए। ये तरीके आपकी बर्बादी लेकर के आते हैं। कई बार आप देखना, घर की साफ सफाई चल रही है, आप झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, उनको कभी कचरे में नहीं जाने देना चाहिए। जैसे तज, दालचीनी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर किचन में मसालों में यूज होती है, और यूज करते समय इसके टुकड़े गिर भी जाते हैं जमीन में। आपने झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाया, और उसमें दालचीनी तज जा रही है। दोस्तों, तज कभी कचरे में नहीं जाने देनी चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है,
माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। दूसरा जायफल, जायफल बहुत शुद्ध बहुत पवित्र चीज है। जायफल कभी भी कचरे में नहीं जाने देना चाहिए। अगर जायफल आप घर में ले आए हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई शुद्ध पेड़ पौधे के नीचे उसको रख दें। जायफल कचरे में गया मतलब आपकी किस्मत चली गई। जायफल को भी कभी दोस्तों कचरे के साथ बाहर ना फेंके। नमक, पहले तो नमक जमीन में गिरने ना दो, गिर गया है उसे अच्छे से उठा ले किसी पात्र में, झाड़ू लगा करके उसे ना निकाले घर से बाहर, अन्यथा आप बहुत तकलीफों में आ जाएंगे, भयंकर तकलीफें आपकी लाइफ में अपने आप एंटर होने लग जाएंगी। कौड़ी, कौड़ी लक्ष्मी प्रदान चीज है, कभी झाड़ू में कचरे में कौड़ी ना जाने दें। गोमती चक्र, कभी ऐसा होता है जैसे कौड़ी है गोमती चक्र थोड़ा टूट फूट गए हैं, खंडित हो गए हैं, तो बोला इसको फेंक दो, फेंक या तो बहते हुए पानी में उसे डालो या किसी अच्छे पेड़ पौधे के नीचे रख दो। कचरे में ये शुद्ध और पवित्र चीजों को कभी ना निकालें। कभी जूने पुराने भगवान के जो फोटोज हैं आपको यूज नहीं करना है, उसे कचरे में ना निकालें, उसे अच्छे से उठाएं किसी पेड़ पौधे के नीचे रखें, कचरे में ना जाने। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देगी अगर आपने इनको कचरे में जाने दिया। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी झाड़ू लगाते हैं, जो भी इसके सिवाय भी बहुत सारी शुद्ध और पवित्र चीज़ें जो होती हैं उन्हें कभी झाड़ू लगा करके बाहर नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू उन चीज़ों पर लगता है, गंदगी जो होती है कचरा साफ करता है, शुद्ध और पवित्र चीज़ों को उस पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बताया था कि पूजा के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए, और उससे मैंने बताया था कि कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उस समय आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई होती है, तो उस समय झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।